हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ की बात की जाए तो आपने बचपन से ये चीज़ें सुनी है, करी है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब चीज़ें जो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरते हो, आप चीज़ों को देखते हो, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। थोड़े से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे कि नॉर्मली हमें क्या पता है कि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू दी है 20 और उसके बाद एक वैल्यू दी है 10, यहाँ पे बोल दिया जाए कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, 10 और 20 को इस तरीके से लिखा और उसके बाद इसके फैक्टर्स करते थे, ठीक है। इसके फैक्टर्स करते थे, यहाँ पे 5 और ये 5, फिर उसके बाद किससे जाएगा, 5 से कटेगा, ये लास्ट में हमें 1 1 लाना होता है। तो इसका जो एलसीएम होगा, किसका, 20 और 10 का, वो क्या होगा, 2 × 2 × 5 हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ की बात की जाए तो 20 का जो फैक्टर है, 20 का जो फैक्टर है वो हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 5। 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 5 हो जाएगा। 10 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 × 5। अब यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों जो टर्म्स हैं, जो दोनों नंबर्स हैं, उनमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ क्या है, ये 2 और ये 2, यानी कि जो कॉमन है आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कॉमन क्या है, ये 5 और ये 5, ये क्या है, 5 और 5, यानी कि 10 जो होगा इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। 10 क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यही डिफरेंस होता है कि इसमें हम दोनों चीज़ों को कॉमन लेते हैं, दोनों नंबर्स में जो चीज़ें कॉमन होती है, हाईएस्ट जो कॉमन होता है उसको हम लिख लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जितने भी इसके मल्टीपल्स होते हैं वो सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात की जाए तो डायरेक्टली आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि 10-20 नंबर दे दिया, ठीक है, या 50-30 नंबर दे दिया और बोल दे कि भाई ऐसा है कि आप एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो ये चीज़ें नॉर्मली नहीं होती हैं क्योंकि चीज़ें अब अलग हो चुकी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई भी फ्रैक्शन आप कह सकते हो, जिसको आप कह सकते हो कि रेशियो वाले क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर है जैसे कि 2/3 है, ठीक है, और 4/5 है, 2/3 है, 4/5 है, तो इसका एलसीएम निकालो। इसका क्या करो, एलसीएम निकालो और फिर क्या पूछ सकता है, एचसीएफ निकालो। इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन में दिया होगा, 2/3 रेशियो में दिया हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया होता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर एलसीएम निकालना है, बड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम अंश कहते हैं और जो बटे के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम हर कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे पहले जब एलसीएम निकालना हो ऐसे फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शन में दिया हो, तो एलसीएम निकालने के लिए जो ऊपर वैल्यू गिवन है, ऊपर वैल्यू क्या है, 2 है और 4 है, 2 4 का यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम, यहाँ पे हम लिख देंगे एलसीएम डिवाइड बाय, अब बटे के नीचे आ जाएंगे, बटे के नीचे जो वैल्यू है क्या है, 3 और 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 5 का HCF, 3 और 5 का HCF। बात समझ में आ गई कि LCM कैसे निकालना है, सबसे पहले जो ऊपर वैल्यू है, जितने भी फ्रैक्शन हो सकता है, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन मैंने लिए हैं, यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू हो सकती है, 5/10, 6/12, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ऊपर वैल्यू होंगी, जो भी अंश की वैल्यू होगी, जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू होगी, आप क्या करोगे, अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का LCM निकाल दोगे, डिवाइड बाई जो भी नीचे की वैल्यू दी होगी उसका HCF निकाल दोगे। तो 2 और 4 का LCM अगर निकाला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या होगा, ये 1 होगा, यानी कि 4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, 4 क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। अब आते हैं एचसीएफ की बात करते हैं कि अगर इसका इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, इसका एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 2/3 4/5 वैल्यू दी है, 2/3 4/5 वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालने का मतलब हो गया, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू आपको लिखना है, दोनों आप चीज़ें रिलेट कर सकते हो बड़े आराम से, आप इसको देखो ज़रा, 2 और 4 का यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, एचसीएफ डिवाइड बाय जो बॉटम में है 3 और 5, इसका क्या निकालोगे, एलसीएम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू है, जो अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ों का एलसीएम निकालेंगे, बाकी डिवाइड बाय
नीचे की वैल्यू का HCF, अगर HCF निकालना है तो ऊपर की वैल्यू का HCF, ये HCF तो ऊपर भी HCF, ये LCM तो ऊपर भी LCM, बाकी बचा क्या, HCF बचा तो नीचे HCF लिख दिया, यहाँ पे LCM बचा तो नीचे LCM लिख दिया। अब 2 और 4 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 और 2 को आप लिख सकते हो 1 into 2, और 4 को लिख सकते हो आप 1 into 2 into 2, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एक कॉमन होगा और एक क्या होगा 2, यानी कि 1 into 2 क्या होगा इसका HCF होगा। 3 and 5 का LCM, इसका LCM होगा 15, इसका एलसीएम क्या होगा 15, तो 2/15 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, 2 and 2/15 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर दो नंबर्स गिवन है, कोई भी दो नंबर गिवन है, और उन दोनों नंबर्स का अगर बोल दे कि एक एलसीएम दिया हुआ है या फिर एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम या एचसीएफ में कोई एक चीज़ दी होगी, जैसे कि मान लेते हैं x क्या है, कोई नंबर है, y क्या है, कोई नंबर है, x y क्या है, दो नंबर्स हैं, इसका क्या है LCM, HCF, ये दो नंबर्स हो गए, LCM हो गया और HCF हो गया। अगर इन चारों में से कोई भी तीन वैल्यू गिवन है और चौथी वैल्यू पूछ रहा है, तो आप उसको कैसे निकालोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ दैट नंबर इंटू HCF ऑफ दैट नंबर, ठीक। तो ये इसका बड़ा सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। x क्या है, कोई भी नंबर दे देगा, x हो सकता है, मान लेते हैं x क्या है, x x क्या है 25 है, और y क्या है 30 है, तो 25 और 30 का क्या होगा, इधर LCM होगा और HCF होगा, इनमें से क्या होगा, ये जब भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा तो आपके पास कंडीशन क्या गिवन होगी, कि यहाँ पे तीन वैल्यू आपके पास ऑलरेडी होगी, x y कि और LCM दे सकता है, HCF पूछ सकता है, हो सकता है LCM HCF दिया हो, Y दिया हो, X की वैल्यू पूछ ले, हो सकता है X LCM HCF दिया हो, Y की वैल्यू पूछ ले, तो चारों में से कुछ भी हो सकता है, चारों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, कि चारों में से तीन वैल्यू गिवन हो और चौथी वैल्यू आपको निकालनी हो, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ठीक। तो आप इसको क्लास को देखो एक बार, रिवाइज करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैथ्स के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।